शामली उत्तर प्रदेश के बनाए गए जिलों में से एक है, जिसके निर्माण की घोषणा 28 सितंबर 2011 को की गई थी। उस समय की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती जी द्वारा इसे प्रबुद्ध नगर का नाम दिया गया, लेकिन जुलाई 2012 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस शहर को पुराना नाम वापस कर दिया। शामली दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर स्थित है। ये दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर, पानीपत से 38 किलोमीटर और सहारनपुर से 65 किलोमीटर दूर है। शामली ऊपर दोहाब चीनी मिल नामक पुराने चीनी मिल के लिए जाना जाता है। इस चीनी मिल का इतिहास हमेशा से विवादों में रहा है। इस मिल को अंग्रेजों ने 1933 में सर शादीलाल को गिफ्ट में दी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि शादीलाल ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी, उसी से खुश होकर उन्हें शुगर मिल में मिली थी। सर शादीलाल को अंग्रेजी हुकूमत ने साल 1920 में हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया था। वे पहले भारतीय जज। शुगर मिल का तब नाम सर शादीलाल के नाम पर ही था। बाद में इसका नाम बदलकर ऊपर दोहाब शुगर मिल रखा गया। इस समय सर शादीलाल के नातिन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इतिहास की बात करें तो महाभारत के समय में शामली कुरुक्षेत्र का हिस्सा था। ये आजादी के समय अविभाजित पंजाब से सटा था। 1857 की क्रांति के समय विद्रोह यहाँ भी हुआ था, परंतु उस विद्रोह को दबा दिया गया था। इसी के निकट ऊन नगर है, जिस पर कभी हुनों ने आक्रमण किया था। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत तालाब थे। शामली का इतिहास महाभारत काल से देखने को मिलता है। शाली भवन शब्द का उल्लेख महाभारत में किया गया है, जो शामली का प्राचीन नाम हो सकता है। एक कहानी के अनुसार शामली वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को टालने के अपने अंतिम प्रयास के लिए जाते समय रात्रि होने पर विश्राम किया था, इसलिए कहा जाता है कि इसका पिछला नाम श्यामवली था। शामली जिले में 3 तहसीलें, एक शामली, केराना और उन्नगर। शामली जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है। शामली की तहसील केरान भारत की ऐतिहासिक जगहों में से एक है और बेहद ही खूबसूरत है। केरान की फिजाओं में जहाँ एक तरफ संगीत की मधुर लहरें तरंगित होती है, वहीं उसकी मिट्टी में नृत्य कला की छाप है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र भारतीय शास्त्रीय संगीत के मशहूर किराना घराने के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना महान शास्त्रीय गायक अब्दुल करीम खान ने की थी। शामली शहर की आबादी 1 लाख के आसपास है, जबकि पूरे शामली जिले की आबादी करीब 10 लाख से ऊपर है। बागपत, सोनीपत, करनाल और मेरठ इसके पास के शहर है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक हनुमान टीला शामली में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के पांडवों में से एक महान योद्धा भीम द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये भी एक अफवाह है कि महाभारत से बचने के अपने आखिरी प्रयास के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि विश्राम किया था और इसीलिए इसका नामकरण शामली रखा गया। शामली में आप यहाँ का गुरुद्वारा, गुजरी शिव मंदिर, जैन मंदिर जलालाबाद और कर्ण तालाब भी देखने लायक जगह है। शामली से निकटतम हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि दिल्ली में है। शामली रेलवे स्टेशन उत्तर भारत और भारत के अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शामली जिला रोड से भी भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं आपको शामली जिले में क्या क्या पसंद है, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।